ग्वालियर में जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ग्वालियर के फूलबाग स्थित सिंधिया रियासतकालीन गोपाल मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का तकरीबन 100 करोड़ कीमत के हीरा, पन्ना, पुखराज, नीलम, सोना और चांदी के आभूषणों का श्रृंगार किया गया। प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के दिन गोपाल कृष्ण भगवान का रियासतकालीन बेशकीमती आभूषणों से श्रृंगार किया जाता है। इन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी पर दर्शन करने के लिए आते हैं। प्रतिवर्ष की भांति गुरुवार को भी सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिर में लगा हुआ है। गोपाल मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का अभिषेक किया गया, आरती की गई। इसके बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा में बैंक के लॉकर से निकालकर लाए बेशकीमती आभूषणों का श्रृंगार किया गया। इस दौरान ग्वालियर नगर निगम के सभापति मनोज सिंह तोमर, निगम आयुक्त हर्ष सिंह भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि गोपाल मंदिर की देखरेख का जिम्मा नगर निगम के पास है। जन्माष्टमी पर नगर निगम गोपाल मंदिर में भव्य रूप से त्यौहार मनाता है। मंदिर में विशेष सजावट की जाती है। इसके बाद पुलिस के कड़े पहरे में बैंक के लॉकर से सिंधिया रियासतकालीन अनमोल और बहुत खास रत्न जड़ित आभूषण भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को पहनाए जाते हैं। एक एक आभूषण की पहले बारीकी से गिनती की जाती है। बैंक के लॉकर से निकाले आभूषण की सूची से मिलान किया जाता है। इसके बाद एक एक करके भगवान को आभूषण पहनाए जाते हैं। 100 वर्ष पहले सिंधिया राज परिवार ने इस मंदिर का निर्माण कराया और उन्होंने ही इस मंदिर को ये आभूषण दान दिए थे। वर्ष 2007 से इस मंदिर में जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को सिंधिया राज परिवार द्वारा दान किए गए आभूषण पहनाए जा रहे हैं। 100 करोड़ के आभूषणों की सुरक्षा के लिए पुलिस का कड़ा पहरा रहता है। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं जन्माष्टमी की, बहुत बहुत राधे राधे। जन्माष्टमी ये जो है सब व्यवस्थाएँ पूरी हो चुकी हैं। मंदिर का आभूषणों से, हीरे पन्नों से श्रृंगार हो गया है। अब दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं और शाम को 7 बजे आरती होगी। उसमें आरती बाद जो है प्रसाद वितरण होगा और जन्माष्टमी का जो है उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जी जी, इसमें 1921 में इसकी जो है सिंधिया राज परिवार द्वारा स्थापना की गई मंदिर की। राधा कृष्ण की प्रतिमा है जो बहुत जागरूक और बहुत सिद्ध है। यहाँ पर दर्शनार्थी दूर दूर से आते हैं और अपनी मनोकामना लेके आते हैं कि मनोकामना गोपाल जी वहाँ पूरी करते हैं। और उसके बाद जो है जैनों का श्रृंगार जो है 2007 से जो है प्रारंभ हुआ है। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और है कि ये सिंधिया राजा काल का बंदेकालीन मंदिर है तो दूर दूर से भक्त भी यहाँ पर आते हैं जी। किस तरह की मनोकामना है क्या यहाँ पे जो है हिंदुस्तान भर से भक्त तो आते ही हैं, NRI भक्त भी आते हैं यहाँ पे, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से। तो अब चूँकि कितने बजे क्या जो कार्यक्रम होने वाले हैं? कार्यक्रम जो है कार्यक्रम प्रारंभ है और सब आप लोग देख रहे हैं, भीड़ आ रही है बहुत, प्रसन्नता आ रहे हैं। जन्म वगैरह कितने की? रात को जन्म 12 बजे होगा जी। 12 बजे के बाद आज आभूषण उतार लिए जाएंगे। कितने भक्त यहाँ पर असंख्य। हमारे ग्वालियर में जन्माष्टमी काफ़ी ज़ोर शोर से मनाई जाती है। मुख्यतः यहाँ गोपाल मंदिर पुराना मंदिर है, पुरानी परंपरा है इसकी, और इसमें व्यवस्था पूरी लगाई गई है। इसमें कुछ जयकार वगैरह आने जाने का भी रहता है तो वो भी व्यवस्था लगाई गई है। उसमें जीओ जी लगाए गए हैं और लगातार यहाँ पे फोर्स उपलब्ध रहेगा जो आने जाने वालों पर भी निगाह रखेगा, असामाजिक तत्वों पर भी जो भी है निगाह रखेंगे, कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा हमारे शहर में द्वारकाधीश मंदिर, हमारे शहर में सनातन धर्म मंडल का मंदिर और कोटेश्वर मंदिर, और यहाँ पे कई जुलूस भी निकलते हैं, उसकी व्यवस्था भी लगाई गई है। दिन भर चूँकि श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है तो ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलाने के लिए जगह जगह पॉइंट्स लगाए गए हैं, उनकी व्यवस्था लगातार सुचारू रूप से चलेगी।